भाई लोग, ये चीज तो हम सब ने कभी ना कभी सोची ही होगी कि शायद हमारे पास साइंस के बदले जादू होता, क्योंकि फिर कई सारी चीजें बहुत आसान हो जाती। अब असल जिंदगी में तो हमें जादू मिलने से रहा, लेकिन जादुई दुनिया और जगहों का मजा हमें हॉलीवुड मूवीज में दिल खोर कर देखने को मिला है। इसी वजह से आज मैं आपके लिए लाया हूँ हॉलीवुड की टॉप 10 मैजिकल मूवीज बिल्कुल फ्री में, जिसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और चिंता मत कीजिए, हैरी पॉटर को मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है। तो चलिए बिना किसी देरी किए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हमारे पास है 2013 में आई ऑज द ग्रेट एंड पावरफुल, जो कि एक फैंटेसी फैमिली मूवी है। ऑस्कर डिग्स नाम का एक आदमी एक सर्कस से भाग जाता है जहां पर वो काम करता था, और वो लैंड ऑफ ऑज में पहुंच जाता है जहां पर वो एक थियोडोरा नाम की डायन से मिलता है, जिसे लगता है कि ऑस्कर एक विजार्ड है और वो उसे मारने आया है। 6.3 की IMDb रेटिंग के साथ ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है और इस फिल्म को आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हो। नंबर 9 पर आती है 2017 में आई फिल्म द शेप ऑफ वाटर, जो कि एक रोमांस फैंटेसी मूवी है। एलिसा जो कि एक लोनली औरत थी, वो एक चौकीदार के तौर पे काम करती थी। एक दिन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर से मिलती है जिसे एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी में रखा हुआ था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक यूनिक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। IMDb पर इस फिल्म को मिली थी 7.3 की रेटिंग्स और आपको ये फिल्म हिंदी में मिल जाएगी। भाई फिल्म में बहुत ही ज्यादा हैवी न्यूड सीन्स हैं, तो परिवार के साथ भूलकर भी मत देखना। और हां, एक और चीज की इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर्स के लिए ऑस्कर भी मिला था। नंबर 8 पर आती है 2016 की मिस पेरेग्रिन्स होम फॉर पिक्यूलियर चिल्ड्रन, जो कि एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। जेक नाम के एक यंग लड़के को एक ऐसा हाउस मिलता है जहां पर सारे बच्चों के पास सुपर नेचुरल पावर्स थे और उसे एक मिस पेरेग्रिन नाम की औरत चलाती थी, लेकिन जल्द ही उस लड़के को उस हाउस को होलोगेट्स नाम के टेरिफाइंग एनिमीज से बचाना होगा। 6.7 की IMDb रेटिंग के साथ ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। फिल्म पूरी तरीके से बिल्कुल साफ सुथरी है, तो परिवार के साथ देख सकते हो। नंबर 7 पर आती है साल 2007 में आई ब्रिज टू टेराबिथिया, जो कि एक फैमिली फैंटेसी मूवी है। एक अमीर घर की लड़की लेजली और एक गरीब घर का लड़का जैस दोनों मिलकर एक टेराबिथिया नाम की जगह बनाते हैं जहां पर बहुत सारे मैजिकल बींग्स रहते हैं। वो दोनों उस जगह के रूलर्स बन जाते हैं और इस तरह जैस एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी से बच जाता है। 7.2 की IMDb रेटिंग के साथ ये फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। फिल्म को गंगा जल से धोया गया है, तो अपने परिवार के साथ देख सकते हो। नंबर 6 पर आती है 2011 में आई फिल्म ह्यूगो, जो कि एक फैंटेसी एडवेंचर जॉनरा की मूवी है। ह्यूगो एक यंग अनाथ लड़का है जो कि एक रेलवे स्टेशन में लगी क्लॉक के साथ छेड़खानी करता रहता है। उसकी सबसे चहेती चीज है एक ऑटोमेटिक मशीन जो कि उसके मर चुके पिता की थी। अब उसका मिशन है एक चाबी को खोजना जिससे वो मशीन चल पड़ेगी। 7.5 की IMDb रेटिंग के साथ ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। फिल्म में कोई सेक्सुअल सीन नहीं है, तो फैमिली के साथ फैल के देखो। नंबर 5 पर आती है 2010 में आई फिल्म पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ, जो कि एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। पर्सी नाम का एक लड़का जिसे डिसलेक्सिया की बीमारी होती है, उसे पता चलता है कि वो एक डेमी गॉड है, और जब उस पर ज्यूस की लाइटनिंग बोर्ड को चोरी करने का इल्जाम लगता है तो वो उस बोर्ड को ढूंढने निकल पड़ता है। 5.8 की IMDb रेटिंग के साथ ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है और आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर आती है 2018 की मॉर्टल इंजिन्स, जो कि एक स्काईफाई एक्शन मूवी है। अब मानता हूँ कि ये कोई मैजिक वाली मूवी नहीं है, लेकिन इस फिल्म को देखकर मजा बड़ा आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। जहाँ पर एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड जहाँ लोग सरवाइव करने के लिए एक दूसरे तक को नहीं छोड़ते, दो अनजान एक दूसरे से मिलते हैं और एक सिनिस्टर और डिस्ट्रक्टिव षड्यंत्र को रोकते हैं। 6.1 की IMDb रेटिंग के साथ ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। इस फिल्म को आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 3 पर हमारे पास 2013 की नाव यू सी मी, जो कि एक थ्रिलर क्राइम जॉनरा की मूवी है। चार स्ट्रीट मजिशियंस अपने जादू के करतबों की मदद से पैसों को चोरी करते हैं, जहां पर वो चारों मिलके एक आर्थर ट्रेसलर नाम के आदमी की इंश्योरेंस मनी चुराते हैं, और अब पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। 7.2 की धमाकेदार IMDb रेटिंग वाली ये फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। फिल्म में एक जगह पर एक न्यूड सीन है और सेक्सुअल वाला सीन्स भी फिल्म में हमें दिखते हैं, तो फैमिली के साथ मत देखना। नंबर 2 पर आती है साल 2007 में आई फिल्म स्टारडस्ट, जो कि एक फैंटेसी एडवेंचर जॉनरा की मूवी है। ट्राइस्टन विक्टोरिया से प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए मैजिकल किंगडम ऑफ स्टॉर्म होल्ड से एक स्टार लाएगा। उसके इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ट्राइस्टन एक ऐसे एडवेंचर से गुजरता है जो उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। 7.6 की IMDb रेटिंग वाली ये फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। फिल्म में कुछ सेक्सुअल और इम्प्लाइड सेक्सुअल सीन्स हैं जिसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते। नंबर 1 पर आती है साल 2006 में आई फिल्म द इल्यूजनिस्ट, जो कि एक मिस्ट्री ड्रामा मूवी है। जब आइजनहैम नाम के एक इल्यूजनिस्ट को उसका प्यार सोफी नहीं मिलती, तो वो अपने पावर्स का यूज करके उसको छुड़ाता है। 7.6 की IMDb रेटिंग के साथ ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। फिल्म में न्यूड सीन्स तो नहीं है, लेकिन एक जगह पर हमें हैवी सेक्स सीन देखने को मिलता है जिसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हॉलीवुड की न्यूली रिलीज्ड फिल्म में हिंदी में देखनी और वो भी बिल्कुल फ्री में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तो आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।